हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कश्मीरा की दुनिया में आपका स्वागत है। सो आज की रेसिपी है रसिया मुठिया, जिसे कच्चे में रस वाला मुठिया बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। रसिया मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिया है, 3 कटोरी मैंने बाजरी का आटा लिया है और 10-12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 6-7 मैंने हरी मिर्च ली है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कि हम कैसे बनाते हैं रसिया मुठिया, मतलब बाजरी का रस वाला मुठिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बाजरी का रसिया मुठिया। एक बार ये स्टाइल से जरूर बनाइएगा तो आप बार बार बनाओगे, इतना टेस्टी लगता है, ये गारंटी है मेरी। एक बार आप बना के देखिएगा। अभी इसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। इसमें हम खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो आपको 1/2 चम्मच ऐड करना है, थोड़ा सा ही। ये छोटी चम्मच मैंने ऐड की है मीठा सोडा। ये लहसुन और हरी मिर्च की मैंने पेस्ट बना दी है, 1 चम्मच हम वो ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी बारिश के मौसम में आप ये बना सकते हो बाजरी का मुठिया। बाजरी का सूखा मुठिया, मतलब ड्राई मुठिया सभी बनाते हैं, लेकिन रसिया मुठिया हमारे कच्ची में ये स्पेशल वैरायटी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मीठा सोडा ऐड करने से मुठिया हमारा सॉफ्ट बनता है और जितना इसमें लहसुन होगा जी स्वाद अच्छा आएगा। मैंने 1 गिलास पानी लिया है। हम डो रेडी करेंगे। इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। तीन कटोरी मैंने आटा लिया है, 1 गिलास पानी लिया है। पानी ज़्यादा कम हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा डो रेडी करना है हमें, मीडियम थिक रखना है। रेडी है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अभी हम मुठिया बनाएंगे ऐसे, इसे प्रेस करना है। देखिए सो हमारा मुठिया बन गया है फ्रेंड्स। अभी हम इसे चौक लगाएंगे और रसिया मुठिया बनाएंगे, जिसे कच्ची में रस्सी वाला मुठिया बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की प्रोसेस करते हैं। पहले हम कुकर रखेंगे क्योंकि हमें मुठिया कुकर में बनाना है। कुकर में मुठिया झट से बन जाएगा। अभी हम ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बड़े 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है। अगर आपको कम ऐड करना हो ऑयल तो आप कम भी कर सकते हो। थोड़ा बारिश के मौसम में ठंडी में बाजरे का आटा सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी फ्रेंड्स। राई ऐड की है थोड़ी सी, जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे फ्रेंड्स,
तीन प्याज लिए थे मैंने, इसे मैंने काट लिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से भून जाए बाद में हमें इसमें पानी ऐड करना है। मैंने मुठिया बनाते समय लाल मिर्ची पाउडर ऐड नहीं किया था, अभी लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे। प्याज भून गए हैं, अभी हम पानी ऐड करेंगे। करीब यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपको इसमें रस ज्यादा चाहिए, मतलब रसिया मुठिया बनाना है ज्यादा सा, तो हमें पानी ज्यादा ऐड करना है। अभी हम पानी को उबालेंगे, एक उबाल आने तक स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। पानी का उबाल आ गया है, अभी हम इसमें मुठिया ऐड कर देंगे। मुठिया बनाते समय मीठा सोडा जरूर ऐड कीजिएगा, स्किप नहीं करना है हमें, नहीं तो स्वाद ही नहीं रहेगा मुठिया में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मुठिया पानी में ऐड कर देते हैं। हमें 4 विसल बजानी है, तभी हमारा मुठिया अच्छे से पकेगा। अगर मुठिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो आपकी फ्रेंड्स, तो विसल ज़्यादा बजानी है, वो भी ध्यान रखना है। जितना इसमें लहसुन रहेगा उतना ही टेस्ट रहेगा। लहसुन और मीठा सोडा वो दोनों जरूरी है ऐड करना। हाँ, जो लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हो आप, लेकिन लहसुन से ज़्यादा टेस्ट लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और 4 विसल बजाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, 4 विसल बज गई है। 4 विसल बजने के बाद हमें 5 मिनट इसे रेस्ट देना है, बाद में हमें ओपन करना है। देखिए आहा, क्या खुशबू आ रही है। रेडी है हमारा रसेदार मुठिया, जिसे कच्ची में रसे वाला मुठिया कहते हैं, रस वाला मुठिया। एक बार ये स्टाइल से जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। चलिए तो हम सर्व करते हैं। बाजरी का आटा भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। धनिया से गार्निश करेंगे। एक बार ये स्टाइल से जरूर बनाइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।